सुना है कि टीवी में इस प्रकार की न्यूज चलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि लेमन न्यूज और दूसरे एक चैनल के लोग मुझे कल मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि इस साल 134 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की। तो क्या लगता है आपको कि सरकार का ये फेलियर है क्या? मैंने उनको कहा कि बिल्कुल फेलियर नहीं, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जल शक्ति शिवार योजना पर बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और ये काम का लाभ धीरे धीरे लोगों को मिलेगा और किसानों की आत्महत्या एक दिन में रुकने वाली नहीं है, क्योंकि 15-20 सालों से पिछले सरकारों ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया है, इसलिए खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ये मैंने बात बताई। और दूसरी बात मैंने ये बताया कि लोकसभा में भी इसके ऊपर डिस्कस सुना था कि राज्य सरकारों में इन दिनों में स्पर्धा चल रही है। अब ये स्पर्धा के जगह पे मेरे मुंह से फैशन ये शब्द निकला होगा तो उसका ये बखड़ा खड़ा किया जा रहा है। मैंने ये बताया कि एक राज्य सरकार अगर किसानों के आत्महत्या होते तो 5 लाख रुपए देते तो दूसरे राज्य में 8 लाख मिलता है, तीसरे राज्य में 9 लाख मिलता है। ये स्पर्धा जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसानों ने आत्महत्या नहीं करना चाहिए। इसलिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमको कोई ना कोई सरकारों ने कार्यक्रम करना चाहिए, ये नहीं कि हम किसानों को पैसे बांटे। ये मुझे कहना चाहिए था। और वो स्पर्धा के जगह पे कंपटीशन के जगह पर फैशन चल रहा है, ये मेरे मुंह से निकला। लेकिन मेरा जो पूरा बाइट है वो अगर सुनेंगे तो ये फैशन का भी क्या मेरे मन में था कहने का, ये लोगों तक तो आसानी से पहुंच सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा बताया नहीं जा रहा, इसलिए ये चल रहा है। और मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा, महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश भर में इन दिनों में फूड सिक्योरिटी बिल आ गया है, लोगों को सस्ते भाव में अनाज मिल रहा है, एजुकेशन लगभग फ्री किया गया है। उसके बाद में रूरल एरिया में अगर बच्चों की शादी है तो समूह लग्न आप करते हैं तो सरकार के माध्यम से 10,000 रुपये और जो संगठन शादी करवाती है उनको 2,000 रुपये अलग से दिया जा रहा है। यानी इतने सारी योजनाएं हैं, आने वाले दिनों में किसानों को और मदद करने के लिए 10,000 रुपये का अगर 25,000 रुपये करना चाहिए, इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। किसान अगर आत्महत्या करता तो उसकी वजह हमको ढूंढ कर निकालनी चाहिए। किसान आत्महत्या करता तो उसका न्यूज भी मीडिया के लोग करते हैं और लोकसभा विधानसभा में उनको ज्यादा पैसे मुआवजा देने की अगर बातचीत हम करेंगे तो किसानों का आत्महत्या होता रहेगा, लेकिन उसके ऊपर हम उपाय ढूंढ नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि उपाय ढूंढना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने ऐसा कोई किसानों के बारे में तो उनके सेंटिमेंटल के साथ में तो एक नॉन पॉलिटिशियन आदमी भी खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। मैं तो एक पॉलिटिशियन बहुत जवाबदार व्यक्ति हूं, 6 बार लोगों ने मुझे वोट देकर जिताया और एक बहुत बड़ी जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी का मैं नुमाइंदा हूं। इसलिए मेरे मुंह से तो ऐसा गलती से भी कभी कोई शब्द